गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूं। स्टूडेंट, आज सबसे पहले आप सभी को आपके टेस्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका टेस्ट है वो हो चुका है या हो रहा है। उसके लिए मैं आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका हो चुका या होने वाला है वो टेस्ट बहुत अच्छा हो और आगे आने वाले टेस्ट भी आपको बहुत अच्छे हो। इसके लिए आप अच्छे से तैयारी करें और अपना जी जान से आप जो मेहनत कर सकते हैं वह करें। आज आपका इंग्लिश का पेपर है और कल हिंदी का पेपर है, तो चूंकि कल हिंदी का पेपर है इसके लिए आज हम कुछ अपना अभ्यास कार्य कर लेते हैं अपने चैप्टर्स का और अपने प्रार्थना पत्र का, ताकि आपकी कोई शंका हो कोई तो उसका हम समाधान कर सकते हैं कर लेंगे। और अपने जो पत्र आएंगे उसमें कल पत्र लेखन में पहला आपसे शायद 1 to 5 दिए हैं आप लोगों को, 1 to 5 दिए क्या ऋषि राहुल मुकेश? यस मैम। राहुल शर्मा? यस मैम। हाँ ऋषि? यस मैम। ऋषि 1 to 5 प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र 1 to 5 दिए ना आपको? यस मैम। हाँ तो इसमें से देखिए अपन जो पत्र लेखन है हमारा उसको पहले उसका अभ्यास करते हैं कि आप स्वयं को रंजना अजमेर निवासी मानते हुए माँ की बीमारी के कारण उनसे मिलने जाने के लिए 2 दिन का अवकाश मांगते हुए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसमें अपने आप को क्या मानना है? स्वयं को रंजना मानना है। और कहाँ का निवासी मानना है? अजमेर का। तो उसके लिए आपकी माँ बीमार है, इसके कारण आप उनसे मिलना जानना चाहते हैं, इसके लिए 2 दिन का अवकाश है, वो अपने प्रधानाचार्य जी को लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे कि सेवा में सभी जानते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, या तो क्या लिखते हैं पहले संबोधन कि सेवा में लिखते हैं ना, सेवा में पहले लिखेंगे हम सेवा में, फिर किसको लिखना है अपने 2 दिन के अपने प्रधानाचार्य जी को लिखना है। तो सेवा में श्रीमान प्रधाना, सेवा में श्रीमान प्रधाना प्रधानाचार्य सेवा में श्रीमान प्रधाना चार्य महोदय और अपने तो उन्होंने स्कूल का नाम नहीं दिया, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। फिर क्या इसमें आया है कि आप स्वयं को रंजना अजमेर निवासी मानते हुए अपनी माँ की बीमारी के कारण मिलने के लिए 2 दिन का अवकाश मांगते हुए प्रधानाचार्य जी को लिखना है। तो राजकीय लिख दिया हमने उच्च माध्यमिक विद्यालय, फिर किसको मानना है? अजमेर निवासी। तो अजमेर यहाँ पे क्या आ जाएगा? अजमेर आ जाएगा। फिर इसमें अवकाश के लिए मांगना है, तो अगर हम सब्जेक्ट लिखेंगे विषय क्या हो जाएगा इसका? विषय इसका 2 दिन के अवकाश हेतु, 2 दिन के अवकाश हेतु मांग रहा है ना वो, तो 2 दिन अवकाश हेतु
सब्जेक्ट वो लिखेंगे अपन कि मान्यवर निवेदन क्या करना है कि मान्यवर निवेदन है कि मेरी माताजी है वो इन दिनों जयपुर में रहकर जयपुर में रह रही है और अपनी बीमारी का इलाज करवा रही है, इसलिए मैं भी अपनी माँ से मिलने के लिए जाना चाहता हूँ। तो मेरा जो भाई है या मेरा बड़ा भैया है वो जा रहा है, तो मैं अपने बड़े भाई के साथ माताजी से मिलने के लिए जयपुर जाना चाहता हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका मैं बहुत बड़ा आभारी रहूँगा या रहूँगी। रंजना माना तो मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी रहूँगी। फिर धन्यवाद देते अपन, धन्यवाद कहाँ लिखते हैं, जो अपने वो लिख दिया फिर उसके नीचे धन्यवाद आता है, और धन्यवाद लिखने के बाद हम इधर लिखते हैं कि आपकी जो आज्ञाकारी शिष्य है, नाम दिया गया है हमें रंजना मानना है अपने आप को, तो रंजना और कक्षा लिख देना है, और ए के विद्यार्थी हो तो ए और कक्षा बी की विद्यार्थी हो तो बी, और दिनांक हमें डाल देनी है। आप सभी जानते हैं तो बहुत ही ईजी है, और आप अभी तक 7 तक ये पढ़ते आए हैं। बीमारी का अवकाश बीमारी के लिए अवकाश के लिए जो प्रार्थना पत्र ये आप पढ़ते आए हैं। फिर दूसरा है आपको आपका कि फुटबॉल का मैत्रीपूर्ण मैच खेलने की स्वीकृति चाहने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए कि आप फुटबॉल का मैत्रीपूर्ण मैच है वो खेलना चाहते हैं, उसकी स्वीकृति के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसमें आपको ऐसे नहीं दिया कि किसको लिखना है, तो हम किसको लिखेंगे, स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और मैत्रीपूर्ण मैच है वो वहीं पर खेलते हैं स्कूल में ही, तो हम प्रधानाचार्य को लिखेंगे कि सेवा में ये लिखा था, जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ये भी लिख सकते हैं हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, क्योंकि हमें विद्यालय का नाम नहीं दिया गया है। और फिर इसमें भी हम अजमेर का, जयपुर, झुंझुनू, किसी का भी नाम लिख सकते हैं क्योंकि हमें नाम नहीं दिया गया, इसलिए हम अपने आप को जयपुर का कहीं का भी निवासी मान सकते हैं। फिर विषय लिखेंगे कि फुटबॉल का मैत्रीपूर्ण मैच है वो खेलने हेतु, ये बेटा अपना माइक बंद कर लीजिए अपना। फिर कि महोदय सविनय निवेदन है कि मैं विद्यालय में कक्षा 7 का के कुछ विद्यार्थियों विद्यार्थी है वो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के साथ जो मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच है वो खेलना चाहते हैं, और यह मैच दोनों कक्षाओं की जो टीमें हैं वो विद्यालय समय के बाद है, वो शनिवार के को विद्यालय के खेल के मैदान में खेलने के इच्छुक है, इस हेतु स्वीकृति देने की कृपा करें। और हमारे जो शारीरिक शिक्षक हैं, महोदय हैं, जिन्हें आप PTI कहते हैं, उन्हें उनसे इस खेल को खिलाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी नाम आए नाम नहीं आए तो वो नाम डालना है, नहीं कुछ भी नाम है वो आप डाल सकते हैं। एक फिर तीसरा है कि आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी TC हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। और ऐसे भी आ सकता है, उसमें नाम भी दिया होता है कि आप जयपुर निवासी है, रोहित हैं, और आपके पिताजी का जो स्थानांतरण है वो यहाँ से जैसलमेर हो गया है, तो आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसे TC कहते हैं के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सेवा में जैसे हमने लिखा था ये तो आएगा ही, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। फिर ये भी लिख देंगे हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, क्योंकि इसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य को ही लिखना है, तो हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिख देंगे। ये किसी का भी हम वैसे नाम लिख सकते हैं, क्योंकि पहले वाले में अपने को नाम नहीं दिया गया है कि किस को लिखना है। पहले वाला है कि 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखना है, तो हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिख देंगे। फिर इसमें मानना किसको है, इसमें भी वो नाम नहीं दिया गया, स्थानांतरण बस लिखा है, तो जयपुर का लिख देंगे हम, जयपुर या अजमेर, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा।
विषय क्या आ जाएगा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु, कि मुझे स्थानांतर प्रमाण पत्र हेतु इसी चाहिए। तो देखो महोदय, उपयुक्त विषय में निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा एक से पढ़ रहा हूँ और मैं अन्य आठवीं जो कक्षा है वो पास कर ली है, या आठवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गया हूँ। अब मैं विद्यालय में नौवीं कक्षा, अपने विद्यालय में अब नौवीं कक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए मुझे नौवीं कक्षा की व्यवस्था नहीं होने के कारण मुझे किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा या प्रवेश लेना पड़ेगा। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे अपने विद्यालय के स्थानांतरण जो प्रमाण पत्र है यानी जो TC है वो देने की कृपा कीजिए, जिससे कि मैं शहर के किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले सकूं और अपना अध्ययन है वो जारी रख सकूं। मेरी ऐसा भी लिखना पड़ता है कि मेरी तरफ से विद्यालय में भी कुछ दे शेष नहीं है, यानी मेरा देना कुछ नहीं है, मैंने जो सारा लेन देन हिसाब किताब होता है वो कर लिया है, और आज आप मुझे मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र है वो दिलाने का श्रम करें या कष्ट करें, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। फिर नीचे जैसे आता है आपका आज्ञाकारी शिष्य और कक्षा कुछ भी लिखे कहा गया, और या कक्षा सॉरी आठ लिखना है आपको, और नाम में कुछ लिख सकते हैं, दिनांक हम लिखते ही हैं। इसमें एक तो ऐसे आ सकता है कि आप आठवीं कक्षा में पास होकर नवीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, अतः अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र देनो TC देने तो प्रार्थना पत्र देखिए, कि मतलब आठ जो स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ आठवीं तक ही कक्षाएं हैं, आगे की नहीं है, तो आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए आपको किसी शहर के ही किसी दूसरे स्कूल में प्रवेश लेना है, इसलिए चाहिए एक तो TC। एक यह है कि आप जयपुर निवासी है, रोहित हैं, और आपके पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से जयपुर जैसलमेर हो गया है, तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए कि आप जयपुर निवासी हैं, तो जयपुर का आ जाएगा वो जो लिखेंगे ना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो जयपुर। फिर आपके पिताजी का स्थानांतरण हुआ है, यानी आपकी आप यहाँ पढ़ रहे हो, मान लो आदर्श बाल निकेतन में पढ़ रहे हो, यहाँ 12वीं तक क्लास तो है लेकिन आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया, तबादला हो गया, तो आपको भी वहाँ अपने परिवार के साथ जाना पड़ेगा, तो उसके लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र का वो लिखिए, TC के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हम वैसे लिख देंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फिर जो भी आया नाम आया, जयपुर आया, अजमेर आया, कोटा आया, जो भी नाम है वो लिख देंगे, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु। फिर इसमें है कि आप लिखेंगे कि मैं उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण है वो जयपुर से कोटा हो गया है, और अब मुझे भी उनके साथ है वो कोटा जाना पड़ेगा, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप मुझे मेरा जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र है जो TC है वो देने की कृपा करें, ताकि मैं कोटा या जयपुर जाकर अपनी पढ़ाई है वो जारी रख सकूं और वहाँ के स्कूल में प्रवेश ले सकूं। आप जानते हैं कि TC लेने के बाद ही दूसरी स्कूल में कक्षा में प्रवेश मिल सकता है, तो एक वो उसके लिए TC चाहिए होती है, एक तो खुद में, एक तो मान लो स्कूल में आगे की कक्षा ही नहीं है आठवीं तक है तो हमें TC चाहिएगी, एक पापा का स्थानांतरण हो गया है आपको उनके साथ जाना है तब भी आपको TC चाहिएगी, तब आप वैसे लिखोगे, वैसे लिखनी है, जब आप वैसे लिखोगे कि आठवीं तक की क्लास है मैं आगे का अध्ययन करने के लिए मुझे और कहीं जाना होगा, तो इस कारण आप मुझे वो TC देने की कृपा करें। तो समझ में आ रहा है ना। फिर शुल्क मुक्ति के लिए, शुल्क मुक्ति यानी फीस माफ जिसे कहते हैं, उसके लिए लिखना है कि शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो अपन लिखेंगे ऊपर का जो पैटर्न है हमारा वो तो ऐसा का उस जगह सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाम आया हो तो हम नाम अजमेर का, जयपुर का, कोटा, झुंझुनू, जो भी नाम आया है वह दे देंगे। फिर महोदय निवेदन क्या करना है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा आठ
में पढ़ता हूँ और पिछले वर्ष कक्षा 7 में मैं आपके विद्यालय में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है। मेरे पढ़ने व खेलने में बहुत रुचि है। इस वर्ष मैंने लंबी दौड़ में भी मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मेरे पिताजी हैं वो दफ्तर में नौकरी करते थे, परंतु अचानक उनकी नौकरी जाती रही, अतः हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर हो गई है और मैं अपना वार्षिक तथा मासिक शुल्क देने में पूर्ण असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेरी संपूर्ण फीस है वो माफ़ करने की कृपा कीजिए। इसके लिए मैं और मेरे अभिभावक आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य, और फिर वो वैसे लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र आए तो उसके लिए कैसे लिखना है, शुल्क मुक्ति का कैसे आए यानी फीस माफ़ के लिए कैसे आए तो वो आपको कैसे लिखना है, फुटबॉल के लिए आए तो कैसे लिखना है, मैंने आपको एक एग्जांपल के द्वारा बता दिया है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस है वो आपने 2 और 3 चैप्टर से कर लेते हैं, क्योंकि कल आपका हिंदी का पेपर है और हिंदी में 2 और 3 जो चैप्टर है वो आने वाले हैं। इसलिए पहले हम देखते हैं सेकंड चैप्टर से। सेकंड चैप्टर में जैसे छोटे छोटे प्रश्न मैंने एक दिन पहले भी आपको बताए थे आएंगे, जैसे अब लिखित में आ, जैसे लेखक को बदलू क्या देता था, लेखक को बदलू क्या देता था, क्या देता था, लाख की गोलियां। हाँ, बदलू को लेखक लाख की रंग लाख की गोलियां गोलिया है वो देता था। अब मैं पूछ रही हूँ आपसे, लेखक को मामा के गांव जाने का चाव क्यों रहता था, लेखक को मामा के गांव जाने का चाव क्यों रहता था, क्यों रहता था मैम? इसलिए क्योंकि मैम बदलू उसको लाख की गोलियां देता था ना, इसलिए वो मामा के गांव जाने का चाव लेता था। हाँ, बदलू द्वारा दी जाने वाली लाख की गोलियों के कारण लेखक को मामा के गांव जाने का चाव रहता था। लाख की गोलियां कैसी थी, रंग बिरंगी। हाँ, लाख की गोलियां रंग बिरंगी थी रंग। जो मन को आकर्षित करती थी। बदलू क्या काम किया करता था, बदलू एक मनियार था। बदलू एक मनियार था। हाँ, बदलू मनियार था और बदलू लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता था। मुंगेरिया थी, इसमें एक आया है कि मुंगेरिया किस काम आती है मैम, लाख की मैम चूड़े को काट देने में। हाँ, वो जो लाख की चूड़ियां बनती है उस लाख की चूड़ियों को आकार देने देकर क्या करता था मुंगेर से, बदलू उन्हें चिकनाता था और गोल बनाता था, तो लाख की चूड़ियां बनाने के वो काम में आती है। बदलू कहाँ बैठकर चूड़ियां बनाने का काम किया करता था, चारपाई पे। हाँ, बदलू चारपाई पे। हाँ, बदलू एक बहुत पुरानी मचिया थी, मचिया पर बैठकर वो चूड़ी बनाने का काम करता था। अपने मामा के यहाँ लेखक का अधिकतर समय कहाँ बीतता था, मैं बदलू के यहाँ। अपने मामा के यहाँ लेखक का अधिकतर समय है वो बदलू के यहाँ बीतता था, क्योंकि वह उसे लेखक को उसे चूड़िया बनाने देखने में उसे मजा आता था, इसलिए वह उसके पास ही रहता था। लेखक बदलू लेखक को क्या कहकर पुकारता था, बदलू मैम लल्ला। हाँ, बदलू लेखक को लल्ला लल्ला कहकर पुकारता था, सही एकदम। बदलू तैयार चूड़ी के जोड़े को किस प्रकार देखता था, तो क्या मैम बदलू था वो जो चूड़ियां तैयार कर लेता था तो वो चूड़ी को किस प्रकार देखता था मैम, कोई औरत औरत की हाथ की कलाई इस प्रकार देखता था। हाँ, बदलू तैयार चूड़ी के जाड़े जो जोड़ा होता था उसको इस प्रकार देखता था जैसे वह किसी नई दुल्हन की कलाई हो। नई दुल्हन की कलाई होती है ना, वो सुंदर होती है, वैसे ही वह जो नया जो चूड़ा था वो तैयार कर लेता था, तो चूड़ी के जोड़े को वो इसी प्रकार देखता था। मनिहार क्या करता है, मनियार का क्या काम होता है, मनियार का चूड़ी बनाने का होता है। हाँ, बदलू कौन था और उसका व्यवसाय कैसा चल रहा था,
बदलू अभी मैंने दो बार तो पूछ लिया है, बदलू कौन था? मैं बदलू मनियार था। और क्या करता था वो? मैं बहुत लाख की चूड़ियां बनाता था। हाँ, लाख की चूड़ियां बनाता था। उसका व्यवसाय कैसा चलता था? उसका जो चूड़िया बनाने का काम कैसा अच्छा चलता था? अच्छा चलता था। मैं उसके गांव से चूड़िया, कई औरतें अलग अलग गांव से भी उसकी चूड़िया लेने आती थी मैम। हाँ सही है। और वो क्या करता था चूड़ियों के बदले, वो उसे क्या क्या मिलता था? मैं वो चूड़ी बदले पैसे नहीं लेता था, मैं चूड़ी बदले क्या कभी कभी अनाज ले लेता था और कभी कभी और कुछ ले ले लेता था। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर बदलू सुहाग वाली चूड़ियों के बदले उसके घर वालों की, उसकी घरवाली के लिए सारे वस्त्र लेता था, अनाज लेता था, वो पगड़ी लेता था और रुपए भी लेता था। लेखक बहुत समय तक अपने मामा के घर क्यों नहीं जा सका? लेखक बहुत समय तक अपने मामा के गांव है वो मामा के घर क्यों नहीं जा सका? क्योंकि मैं उसके पापा का बदलाव और वो उसके पापा की नौकरी और के लग गई थी, इसलिए वो कई समय तक अपने मामा के यहाँ नहीं जा सका। हाँ, लेखक के पिता की जो बदली है यानी जो तबादला है वो किसी दूर के शहर में हो जाने के कारण लेखक बहुत समय तक अपने मामा के घर नहीं जा सका था। लेखक को किसकी और क्यों याद नहीं आई? लेखक को बदलू की याद नहीं आई क्योंकि वो बड़ा हो गया था। हाँ, लेखक को बदलू की और उसकी बनाई लाख की चूड़ियों की याद नहीं आई क्योंकि अब वह बड़ा हो चुका था और लगभग पिछले 8-10 सालों से वह अपने मामा के गांव भी नहीं गया था। लेखक को मामा के घर पर न होने से क्या करना पड़ा? लेखक को मामा के घर पर न होने से क्या करना पड़ा? लेखक के मामा घर पर नहीं थे इसलिए उसे ही लड़की की जो मरहम पट्टी है वो करनी पड़ी थी उसको। इसके लिए लेखक के जो हमारा जो ये अल्लाह की चूड़ियां है ये इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? लाख की चूड़ियों के लेखक का नाम क्या है? लाख की चूड़ियों के लेखक का नाम क्या है? कामतानाथ नहीं है क्या? कामतानाथ की तो कहानी है ये, कामतानाथ की है ना? यस मैम। अच्छा बदलू ने बताओ अपनी खांसी का कारण क्या बताया? बदलू को खांसी हो गई थी तो बदलू ने क्या कारण बताया था? बदलू ने अपनी खांसी का क्या कारण बताया था? जब लेखक आया था तो उसे खांसी आ रही थी तो फिर उसने क्या कारण बताया उसको लेखक को? कि मैम जब मौसम बदलता है उसकी खांसी है। हाँ। मैं मौसम परिवर्तन की खांसी है ये। बदलू ने कहा कि उसे ये दमे से होने वाली खांसी नहीं थी, कि एक दमे से होती है वो खांसी नहीं है बल्कि जो ऋतु परिवर्तन हुआ है, जो मौसम बदला है, इस कारण से उसे मामूली सी खांसी हो गई है। मशीनी युग द्वारा हाथ काटे जाने का क्या अर्थ है? मशीनी युग द्वारा हाथ काटे जाने का क्या अर्थ है? क्योंकि मैं मशीनी युग में कई इंसान बेरोजगार हो गए, जैसे बदलू। बदलू अपने हाथ का काम करता था ना, और मशीनी युग में मैं बदलू एक चूड़े बनाता था, मशीन 100 चूड़े बना देती थी, इसलिए मशीनी युग में कई इंसान बेरोजगार हो गए। ये मशीनी युग द्वारा हाथ काट जाने का अर्थ यह है कि घरेलू जो उद्योग धंधों में मशीनी के अत्यधिक प्रयोग से कारीगर थे वो बेकार हो गए थे, यानी जो हाथ से चूड़ियाँ बनाते थे और अब वही काम है वो मशीनें करने लगी, तो इस कारण जो कारीगर थे इस चीज़ के वो सारे बेकार हो गए थे और उनके हाथ कट जाने जैसे हुए। यानी मशीनी युग द्वारा हाथ कटे जाने का अर्थ यही है कि घरेलू उद्योग धंधे थे वो मशीनों के अत्यधिक प्रयोग होने के कारण वो जो कारीगर थे वो बेकार हो गए थे और अब उन्हें उनका रोजगार का जो रोजगार जो मिलता था इससे वो खत्म हो गया था। तीसरे चैप्टर का पूछूं? ऋषि
तीसरे चैप्टर का पूछू मैं, पूछ लो यात्रा मैं पूछ लो। पेट्रोल की टंकी में छेद होने पर ड्राइवर ने क्या किया? पेट्रोल की टंकी में जब छेद हो गया तो ड्राइवर ने क्या किया? वाला नहीं आता। टंकी में छेद हो गया था जब हमने नहीं पढ़ा था चैप्टर में। ड्राइवर ने क्या किया था? बाल्टी में पेट्रोल भरा और पेट्रोल उसमें भरकर पेट्रोल भरकर नली से इंजन तक पहुंचाया था। टंकी में छेद होने पर ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल भरकर नली से इंजन तक पेट्रोल है वो पहुंचाया था। लेखक ने मार्ग के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किस प्रकार किया है? लेखक ने ऐसे देखा था ना कि बस चल रही थी तो उसने जो प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किस प्रकार किया है? ऐसा नहीं आया था कि लेखक जब मार्ग में पेड़ों को आता देखता तो उसे लगता था कि पेड़ बस है वो पेड़ से टकरा जाएगी, और झील देख पानी की झील देखता था उसे ऐसा लगता कि यह बस है इसमें डुबकी लगा जाएगी, बस इसमें डूब जाएगी। ऐसा हमने पढ़ा था ना? यस मैम पढ़ा था। हाँ, लेखक को गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्मरण क्यों हुआ था, याद क्यों आ गया था? क्योंकि मैम लेखक को ऐसा लग रहा था कि ये बस गांधी जी के वक्त की है। लेखक को लग रहा था कि बस का हर एक हिस्सा था उसे अलग होने वाला था, यानी हर एक बस का जो हिस्सा था वो एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ऐसे लग रहा था जैसे वो बस है वो, यानी जो बस में बैठे हुए हैं वो बस सीट पर वो जो यात्री थे जो लेखक थे वो बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है पता नहीं लग रहा था। जो बस के जो पांच थे वो अधिकतर टूटे हुए थे और सारी बॉडी है वो एक दूसरे से, गाड़ी की जो बॉडी है वो एक दूसरे से असहयोग करी थी। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। तो जिस प्रकार गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो असहयोग आंदोलन चलाया था वैसे ही वो जो था जो बस थी वो भी क्या थी, एकदम खराब थी, एकदम जंजर अवस्था में थी और एक दूसरे पार्ट से बॉडी की जो बस की जो बॉडी थी वो दो एक दूसरे पार्ट से असहयोग कर रही थी, इसलिए लेखक को ऐसा लगा। फिर लेखक को बस किसके योग्य लगी और क्यों? किसके योग्य लगी थी बस? क्या मैम? लेखक को बस किस योग्य लगी? इंजन के योग्य। लेखक को बस पूजा की योग्य लगी थी, पूजा और आदर की योग्य लगी थी कि इसकी बस की तो पूजा करना चाहिए और इसका आदर करना चाहिए क्योंकि वह बहुत ही वयोवृद्ध थी। हमने नहीं पढ़ा था कि बहुत ही, जिस प्रकार एक मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि जिस प्रकार एक बूढ़ा आदमी होता है उसकी हम सभी उसको आदर की दृष्टि से देखते हैं और उसकी एक तरह से पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वैसे भी वो जो बस थी बहुत ही खराब हालत में थी, जंजर अवस्था में थी और खूब वयोवृद्ध हो गई थी, इसलिए लेखक को बस पूजा और आदर के योग्य लगी थी। ठीक है ना? तो हमारा, आपको पता है कि हमारा जो पेपर होगा वो कल 10 मार्क्स का गूगल फॉर्म में पे होगा। आप चैप्टर पढ़ लीजिए, उसमें से एबसेद जो आएंगे वो इसमें से आएंगे और फिर जो प्रश्नोत्तर हैं वो आपके जो पाठ्यक्रम में दिए गए हैं वहाँ से आएंगे। तो आप पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए हैं उसके पीछे पीछे जो पाठ होते हैं ना प्रश्नोत्तर वो आएंगे, प्रार्थना पत्र आएगा, तो आप इनका अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, रीड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। मैं प्रार्थना पत्र कोई भी आ सकते क्या? मैं प्रार्थना पत्र कोई भी आ सकते है या? प्रार्थना पत्र हाँ कोई भी आ सकता है। ठीक है, चार दिए ना, चारों में से आप चारों याद करेंगे। ठीक है, ओके मैम। और मैम मैं अभी इस मैं अगली क्लास में टेस्ट होएगा क्या इंग्लिश का? हाँ आपकी अगली क्लास है ना टेस्ट, जितना इंग्लिश क्लास होती उसी टाइम होगा। मैं अगली क्लास में जिस क्लास जिस टाइम होता है ना आपका टाइम जो दिया गया है उसी टाइम होगी। ठीक है ठीक है, ओके मैम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।